कुरकुरे पे आरोप लगा था कि अरे प्लास्टिक से बना है, पर फिर भी ये 1000 करोड़ का ब्रांड बना और अभी भी अपनी फील्ड में ये मार्केट लीडर है। ऐसा कैसे हुआ? तो कुरकुरे की शुरुआत पेप्सिको ने 1999 में करी थी, तो वो अपना पोटैटो चिप्स तो लेके आए थे, पर इंडिया में उन्होंने देखा कि यार काफ़ी लोकल स्नैक्स अवेलेबल हैं जो कि 100 रुपये पर केजी के हिसाब से बिकते हैं, बट क्योंकि आलू महंगे होते हैं तो वो 300 रुपये केजी के हिसाब से बिकते हैं, तो उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और फिर उन्होंने रिसर्च करी और ये कॉर्न बेस्ड कुरकुरे निकाला जो कि काफ़ी सस्ता है, पर इसमें काफ़ी सारे इंडियन स्पाइसी फ्लेवर्स ऐड किए ताकि इंडियन लोगों को इसका टेस्ट पसंद आए। इसके अलावा इन्होंने पैकेजिंग में भी अपने आप को डिफ्रेंशिएट किया, जिसमें ऑरेंज कलर काफ़ी दूर से दिखता है, और मार्केटिंग में भी इन्होंने दुकानदार को बोला कि अरे जो कुरकुरे की जो लड़ी है ना, इसको दुकान के बाहर ही लटका दो ताकि लोग इसको देख पाए। अब आप बोलोगे कि भैया इसका नाम कैसे आया? अब एक्चुअल में जब इसके एम्प्लॉयज इसका मार्केट टेस्ट कर रहे थे, तब अचानक उनके दिमाग में आइडिया है कि यार ये क्रंची है जिसको हम हिंदी में कुरकुरा बोलते हैं, तो इसीलिए कुरकुरे नाम से फेमस हुआ। तो कैसा लगा कुरकुरे का सक्सेस स्टोरी, कमेंट्स में बताओ। पसंद आया शेयर करो।